इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को क्रिएट करना बताऊंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उसको यहां पर साइन इन कर सकते हो। आप इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अगर आपके पास स्काइप का अकाउंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट वन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर से सिर्फ आप आउटलुक और हॉटमेल का ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने जीमेल आईडी का यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आउटलुक और हॉटमेल की मदद से माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को क्रिएट करना बताऊँगा और उसे हम एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आउटलुक को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेवलपर्स गाइड्स 007। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बर्थ डेट वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जो कि पजल टाइप होता है। इससे ये पता चलता है कि आप इंसान हो यानी ह्यूमन हो या फिर रोबोट। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है 2x और यहाँ पर कुछ एक साइन सा बन के आ रहा है, मतलब 2 × और ये कुछ साइन। तो आपको इसको मैच कर लेना है। यहाँ पर आपके पास कुछ एरो है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ दिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक ये है और ये दोनों जो हमारे पास साइन है ये अलग है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा यानी सेकंड पजल। यहाँ देखिए ये एक दूध की बोतल जैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये इसका आंसर है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ देखिए एक ये नाव सी आ रही है। तो यहाँ पर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये इसका आंसर है। सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया है, मतलब हम एक ह्यूमन है, हम रोबोट नहीं है, चेक कर लिया इसने। अब हमारा फाइनली यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिसे हम अपने एक्सेल में ईजिली यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने आउटलुक की मदद से बनाया है। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ ही देर में वो अकाउंट यहाँ पर दिखा देगा। अभी यहाँ पर साइनिंग आ रहा है और देखिए डेवलपर्स गाइड 007 आउटलुक का ये अकाउंट बन गया है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप ब्राउज़र पे आ जाओगे जहाँ पर आप अपने इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। आपको बस इसमें पासवर्ड डालना है और आप इस अकाउंट को यूज़ कर पाओगे। एक्सेल पे जाओगे, अगर आपको इस अकाउंट को लॉग आउट करना है यानी साइन आउट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए और यस पे क्लिक करिए और ये आपका अकाउंट यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। अगर आप अपने इस अकाउंट को साइन इन यानी लॉग इन करना चाहते हो तो आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने आउटलुक की ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट करी थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेवलपर्स गाइड्स, इसके बाद यहाँ पर 007@outlook.com। अब मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो फाइनली मेरा इसमें अकाउंट इसमें देखिए लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। और अगर मेरे को साइन आउट करना है तो मैं साइन आउट के बटन पे क्लिक करूँगा तो साइन आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको आउटलुक का अकाउंट बनाना सिखाया और किस तरीके से आप उसे लॉगिन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो ये भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हॉटमेल से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, उसको लॉगिन करना और उसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगा। तो मिलेंगे फिर से बढ़िया सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।